हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ऑटो फ्रीक एजे और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो ऑटोमोबाइल रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू है जो कि एक वायरलेस माइक है। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, साथ में अनबॉक्सिंग भी करेंगे। क्या कुछ मिलता है इसके बॉक्स में वो आप देख पाओगे, और साथ में हम लोग टेस्ट भी करेंगे कि क्या कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। फिलहाल चलो सबसे पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो। Just because I wanted to upgrade and sub, just because I wanted to make things more better in terms of YouTube for you guys, जो भी मैं videos बनाता हूँ, जो भी मैं content लाता हूँ और उसे बेहतर करने के लिए मैंने ये product order किया है। I will also tell you कि इसकी price कितनी आती है video के end में, और मैंने कहाँ से purchase किया है वो सारी links मैं description box में डाल दूँगा, जहाँ से आप भी purchase कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इससे ओपन करते हैं इसे। और ये जैसे कि आप देख सकते हो ये अमेज़न से आया है। काफ़ी ज़्यादा तो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे इस प्रोडक्ट के बारे में, और जितने भी रिव्यूज़ हैं आई थिंक 2000 पेड वन और स्पॉन्सर्ड वीडियो हैं, क्योंकि आप डिजिटेक के वेबसाइट पे जाओगे तो आप आराम से वो सारे जो भी वीडियोस हैं यूट्यूबर्स के वो आपको मिल जाएंगे। बट ये आप जेन्युइन वीडियो समझ सकते हो, क्योंकि आप मैंने इसे अपने लिए मंगवाया है और मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट की। सो ऐसा कुछ मिलता है बॉक्स अमेज़न पैकिंग में, एंड देन आई विल ओपन दिस एंड Now, let's see what is inside. So friends, this is the mic which is Digitech wireless microphone system, and the model is DWM102. यहाँ पे एक receiver मिलता है इस box के अंदर, और दो transmitter मिलता है, और फिर ये केस है जिसके अंदर ये सारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रखा है। और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिस्प्ले भी है जो आपको यहाँ पे बेसिकली दिखेगा, लाइट्स जलेंगे। सो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। सो इसे ओपन किधर से किया जाए? लेट्स ओपन फ्रॉम हियर। अच्छा खासा कवरिंग है, आई थिंक द प्रोडक्ट इज जेन्युइन वन, जो कि क्योंकि टेम्पर्ड कुछ भी मुझे नहीं मिला। काफ़ी अच्छी पैकिंग थी इस प्रोडक्ट की। इसे रखते हैं साइड, और किधर से खोलेंगे इसे? लेट्स सी। ओके, आई थिंक वी हैव टू ओपन लाइक दिस। सो ऐसे अगर आप ओपन करते हो तो फिर आपको यहाँ पे डिजिटेक लिखा हुआ एक बॉक्स जैसा है, कवरिंग है। लेट्स टेक इट आउट और देखते हैं कि ओके, सो दिस इज़ द एक्सेसरी बॉक्स। लेट्स ओपन एंड सी व्हाट एंड ऑल इज देयर इनसाइड दिस। वाओ, सो यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सा केसिंग मिलता है। ये जो केस वो जो है ये क्लोथ है, वेलवेट क्लोथ में ये सारे एक्सेसरीज हैं। और इसे फिलहाल के लिए इसे थोड़ा साइड करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो इफ आई टेक इट आउट, ओ बहुत सारे ही चीज हैं इसके अंदर। ओ ये गिर भी गया। सो पहले तो मुझे दिख रहा है एक सी टाइप टू लाइटनिंग पोर्ट का एक केबल है, जो कि ये आप देख सकते हो ये सी टाइप टू लाइटनिंग केबल है। फिर सी टाइप टू सी टाइप केबल भी आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। देन आई थिंक दिस वन इज फॉर ए टाइप टू सी टाइप का भी केबल है। फिर आपको एक सी टाइप विथ TRRS, जो कि आपके फ़ोन में चला कैमरा में जाएगा। अगर आप एक्शन कैमरा यूज़ करते हो, कोई भी कैमरा यूज़ करते हो, तो ये वाला पोर्ट उसमें चला जाएगा, और ये आपका रिसीवर में
देन यू हैव इवन फोन कनेक्टिविटी के लिए, इसके लिए TRRS एडेप्टर जो होता है वो है, और अगेन लाइक सी टाइप फॉर रिसीवर. सो काफ़ी आपको एक्सेसरीज जो बोलते हैं ना, कम्प्लीटली आप सारे अपने डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो. डैट वॉज द मेजर रीजन कि मैंने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया. परफॉर्मेंस आई एम नॉट श्योर कि कैसा परफॉर्म करेगा, बट डेफिनेटली एज अ बिगनर आपको अपने सारे प्रोडक्ट में ये यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड है, मोबाइल आईफोन है, या आपके पास कैमरा है, सब में ये यूज़ हो जाएगा. इसके अंदर एक डेड कैट या नॉइस रिडक्शन फर जो बोलते हैं वो भी मिलता है. तो ये मैग्नेटिक है और ऐसा कुछ है, ये दिखता है. तो इसे मैं अभी अंदर डाल देता हूँ. सिमिलरली एक और मिलता है डेड कैट जिसे कहते हैं. और फिर आपको इसके अंदर अगेन सी टाइप और साथ में एक हेडफोन मिलता है, सी टाइप वाला हेडफोन जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो माइक पे कैसी आवाज़ आ रही है. तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेन प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा माइक्रोफोन सिस्टम है, वायरलेस माइक्रोफोन. और इसे लाते हैं बीच में. तो अब इस केस को निकाला जाए, और काफ़ी हेवी है और रिचार्जेबल केस है, और जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो सी के टाइप केबल लगाकर. तभी इसे ओपन करते हैं. ओपन करते साथ ऐसा कुछ दिखता है ये प्रोडक्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा कुछ ये है. बिल्ड मुझे अभी तक देखकर अच्छा ही लग रहा है. बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड. इस प्राइस पॉइंट में आई कैन नॉट कंप्लेन कि बिल्ड क्वालिटी ख़राब है. दिस इज़ द रिसीवर, और ये दोनों जो हैं, ये जो और दो हैं, ये हैं आपका माइक, और जिसे ट्रांसमीटर भी कह सकते हो. तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, और फ़िलहाल तो मैं इसे साइड में रखता हूँ, और आप देख लो, क्लोज़र लुक दे देता हूँ आपको कि कैसी है. यहाँ पे क्लिप मिलता है आपको. यहाँ पे कुछ आपको माइक वन इको ENC माइक वन एंड माइक टू का डिस, आई थिंक देयर इज़ अ डिस्प्ले, शायद स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लिंक करेगा कि कितने लेवल पे है वो सारी सेटिंग्स. साथ में अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे तीन स्विचेस हैं, जिसमें कि एक स्विच है ENC का स्विच. यहाँ से आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ और इंटेंसिटी उसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हो स्विच को दबाकर. और साथ में M मोड है जिसके थ्रू आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके. और साथ में एक इको मोड भी है, अगर आप इको मोड में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जो कि रिवर्ब मोड जिसे कहते हैं, जिसमें आपकी आवाज़ गूंजेगी. और वो मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पे इको प्रेस करना पड़ेगा. और इधर आपको दो पोर्ट मिलते हैं दोनों सी टाइप पे. एक के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप चार्ज कर सकते हो अगर ये बैटरी डाउन हो जाती है इसकी. और दूसरे के थ्रू आप इंस्टेंट साउंड कैसी रिकॉर्ड हो रही है वो हेडफोन लगाकर सुन सकते हो. और यहाँ पे मिलता है आपको चार्जिंग का पोर्ट, जो कि आपके एडाप्टर में जाएगा. सो चलिए अभी देखते हैं कि अभी इस ट्रांसमीटर जो कि माइक है हमारा, इसमें क्या क्या मिलता है. सो यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा. ये डायल इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा मेरे एप्पल वॉच के, अगर आप इंडिकेटर पे देखो तो वैसा कुछ डायल इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ जाएगा. यहाँ पे काफ़ी सिमिलर सा शेप है. और इसके थ्रू आप इंटेंसिटी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो वॉल्यूम की, कि आप कितने इंटेंसिटी पे बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो. और वही जो मैं आपको बोल रहा था कि इंटेंसिटी, वो आपको दिख जाएगी रिसीवर पे. और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो आपको दो माइक्स मिलते हैं जहाँ पे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है. डुअल माइक है यहाँ पे. और इधर एक साइड देखोगे तो इधर मेमोरी का स्लॉट है, जिधर आप मेमोरी कार्ड लगा के इंटरनली भी रिकॉर्ड कर सकते हो इस माइक में. ये एक अच्छा बेनिफिट है इस माइक का. यहाँ से आप इधर आप चार्ज कर सकते हो, और इवन आप ईयरफोन लगा के इंस्टेंट वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो कि कैसी आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इस ट्रांसमीटर और माइक के थ्रू. और यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट
और इधर एक बटन मिलता है जिसके थ्रू आप स्विच ऑन स्विच ऑफ भी कर सकते हो इस ट्रांसमीटर को। और उसके लिए अभी मैं जल्दी से डेड कैट निकाल लेता हूँ। तो सिंस ये मैग्नेटिक है तो इसे लगाना काफ़ी आसान है, और ये डेड कैट लगने के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है ये माइक। अभी मैं कोशिश करता हूँ इस माइक को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने का, और कोशिश करता हूँ आपको आवाज़ सुनाने का कि कैसी आवाज़ अभी रिकॉर्ड हो रही। फ़िलहाल जो भी आप आवाज़ सुन पा रहे हो ये मेरे ब्लूटूथ कनेक्टेड ईयरफोन के थ्रू आ रही थी, जो कि ये रियलमी का ईयरबड है, इसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने कान में लगाकर। और अभी मैं इसे लगाकर आपको सुनाता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है। मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और आई होप कि इसे आपको कुछ आइडिया लग जाए। तो चलिए फिर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को ऑन करके देखते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हाउ फास्ट इट कनेक्ट्स। सो यहाँ पे आपको मैंने ये मिस कर दिया मैं बताना कि यहाँ पे दो लाइट्स मिलेंगी, यहाँ पे दो लाइट्स मिलेगी इस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर पे, जहाँ पे एक लाइट जो फ्लैश होगी वो आपकी बैटरी इंडिकेट करेगी और डिफरेंट कलर्स वो चेंज हो जाएंगे जैसे कि आपकी बैटरी की कंडीशन चेंज होएगी, और दूसरा लाइट जो है वो आपको कनेक्शन दिखाएगा। और जैसे भी मैं इसे स्विच ऑन करूँगा तो ये आपको ऑन हो जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्शन में पेयर के लिए रेडी हो जाएगा। और वंस मैं यहाँ रिसीवर को ऑन करता हूँ तो वो उसके साथ पेयर होने के बाद वो एक कांस्टेंट कलर लाइट आ जाएगा, वो ब्लिंक नहीं करेगा, और वो अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी फास्ट ये काम करती है। और साथ में इसमें भी सेम जो हमारा रिसीवर है उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी दो लाइट का ऑप्शन मिलता है, LED लाइट जलेंगे। तो चलिए अभी इसे ऑन करके देखते हैं। सो मैं पहले रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ। सो अभी रिसीवर ऑन हो चुका है, एक ग्रीन लाइट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें बैटरी अभी आई थिंक इट्स फुल। एंड दूसरी लाइट जो है वो पेयरिंग मोड में है अभी, तो वो ब्लिंक हो रही है। अभी मैं एक ही रिसीवर ट्रांसमीटर लिया हूँ, एक ही माइक लिया हूँ, और अभी मैं इसे ऑन करके देखता हूँ कि कितना जल्दी ये कनेक्ट होता है। सो अभी मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। सो देखो इंस्टेंट आई थिंक विद इन अ सेकेंड ये ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन के साथ। फिलहाल अब टेस्टिंग करने का टाइम है कि टेस्ट करेंगे सारे मोड्स चेंज करके कि कैसी साउंड आती है। अभी मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन, और आईफोन के साथ मैंने लाइटनिंग पोर्ट के साथ रिसीवर को कनेक्ट कर दिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे अभी। और फिलहाल जो ट्रांसमीटर है जिसे माइक कहते हैं, एक माइक मैंने ऑन किया और इसी से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और ये अभी मेरे कॉलर पर लगा हुआ है हुक के थ्रू, और इस पे मैंने डेड कैट भी लगा के रखा है सो दैट आपको पता चल पाए कि कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। और अभी कोई भी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अभी फर्स्ट स्टेप पे हम लोग फर्स्ट नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आवाज़ चेंज हो रही है। उससे पहले मैं फ़ैन को ऑन कर देता हूँ और सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए कि फ़ैन जब ऑन है तो रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ANC मोड ऑन है तो किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो अभी सबसे पहले हम लोग नॉर्मल मोड में हैं और यहाँ पे मैं ANC मोड को ऑन करूँगा फर्स्ट लेवल पे। आई थिंक अभी ANC लेवल 1 पे ऑलरेडी स्विच्ड ऑन है, सो वी विल टेक इट टू ANC लेवल 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उधर फ़ैन ऑन है, और चलिए अब इसे ANC लेवल 2 पे ले जाते हैं। सो अभी ANC लेवल 2 पे हम लोग हैं, और साउंड आपको कैसी मिल रही है आप वीडियो में कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग ANC लेवल 3 पे हैं, और अभी कैसी आवाज़ आ रही है वो आप भी बता सकते हो। और अभी फाइनली हम लोग ANC के टॉप लेवल पे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नॉइस रिडक्शन मिल रहा होगा आपको। फ़ैन ऑन है और देख सकते हो कि आप फैन ऑन है। अब जो आप साउंड सुनने वाले हो वो रूम से मैं बाहर जाने वाला हूँ, और देखते हैं कि वॉल्स के होने पर किस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल जाने वाला हूँ दूसरे रूम में,
और लेट्स सी कि रिकॉर्डिंग कैसी आती है। सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने फ्रंट रूम में और अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। अभी फिलहाल एक दीवार तो आ चुकी है बीच में, अभी मैं बाहर जाऊँगा। सो अब मैं बाहर आ रहा हूँ और मैं लाइट ऑन कर देता हूँ बाहर की। तो अभी कैसी आवाज़ आ रही है आप चेक करो मुझे, मैं तो नहीं, मुझे पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल काफ़ी हाई वॉल्स आ गए हैं बीच में कैमरा और मेरे ट्रांसमीटर के बीच में, माइक के बीच में। और अभी अभी एक दो तीन अंदर एक और बाहर एक वॉल, सो दो वॉल के बाद मेरा ये ट्रांसमीटर कनेक्टेड है फ़ोन के साथ। और कैसी आवाज़ आ रही है वो आप चेक करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे लगता है कि आवाज़ शायद ठीक ही आ रही होगी, लेट्स सी कि कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ फिर अंदर और डिस्टेंस मेरी जैसा कि आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 10 फीट की थी जब मैं बाहर था, तो अभी मैं फिर से अंदर आ चुका हूं। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की आवाज़ आ रही थी माइक में इतने दूर जाने के बाद और इतने सारे वॉल्स के बीच में इंटरफेरेंस के बाद। तो अभी हम लोग दूसरी टेस्ट करेंगे, ये था एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन साथ में डिस्टेंस टेस्ट, और अभी जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ वो है रिवर्व और इको मोड। चलिए फिर वो टेस्ट करते हैं। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ इको मोड को, और इको मोड स्विच ऑन करने के लिए मैं फिर से कैमरे के पास आ जाता हूँ और यहाँ पे अभी मैं इको मोड को ऑन कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इको मोड अभी लेवल 1 पे चला गया है। कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है आप चेक करो। और फिर मैं लेवल 2 पे चला गया हूँ। आई थिंक आपको कुछ रिवर्ब साउंड सुनाई दे रहा होगा। और अभी मैं लेवल 3 पे चला गया हूँ और आपको शायद और भी आवाज जो है ज्यादा गूंज रही होगी। और अभी जो है मैं लेवल 4 पे जा रहा हूँ और अभी पूरी तरह से जो है इको मोड लेवल 4 पे है। और कैसी आवाज आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो कई लोगों का डाउट होता है कि ये जो माइक्रोफोन है इसे GoPro या Insta360 के साथ कनेक्ट कर सकते कि नहीं। तो अभी मैं लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा और वी विल ट्राई कि ये भी हमारा रिसीवर और जो ट्रांसमीटर है वो काम करता है कि नहीं इस GoPro के साथ। वैसे तो ये GoPro नहीं है बट ये आपको Insta360 है और इवन GoPro पे भी सेम फंक्शन काम करेगा आई बिलीव। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास है ये रिसीवर और इस रिसीवर को के साथ मेरा जो कनेक्टर है जो कि इस बॉक्स में आया था, इस बॉक्स के साथ ही आया है जो कि है TRS कनेक्टर सी टाइप को मैंने इधर लगा दिया है। और अभी मैं अपने कैमरा के साथ ही ये कनेक्ट कर रहा हूँ TRS कनेक्टर, और TRS कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है। और फिलहाल मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। सो कैमरा देखो आप ऑन हो गई है और यहाँ पे इसने माइक डिटेक्ट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइक डिटेक्ट कर लिया है। और अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। सो अभी मेरा जो रिसीवर है वो भी ऑन हो चुका है और अब मैं यहाँ से माइक निकालता हूँ और इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। सो अभी इसे भी स्विच ऑन कर लेता हूँ मैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ आप देख सकते हो तुरंत ये कनेक्ट हो गया और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कैमरा में आप देख रहे होगे कि जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की फ्रीक्वेंसी वो अप डाउन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है ये कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है। फिर भी मैं एक रिकॉर्डिंग लेने की कोशिश करता हूँ अभी और आपको फिर सुनाता हूँ। तो चलिए अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ रिकॉर्ड, और मेरे हाथ में है ये ट्रांसमीटर जो कि माइक है और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही होगी कैमरे में। और अगर अभी ये क्लिप भी मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा और लेट्स सी कि कैसी रिकॉर्डिंग होती है। बाकी ये पर्पसफुली मैंने जस्ट टू चेक कि ये इंस्टा 360 या GoPro के साथ काम करता है कि नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो
केस में आप डालते साथ एक चीज और गौर करोगे कि जैसे आप केस में डालते हो तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है रेड कलर की, देख सकते हो तीनों के तीनों डिवाइसेस में। इसका मतलब ये है कि ये अभी चार्ज हो रही है, और जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे और स्विच ऑन करते हो तो जैसे अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ, ये हमारा रिसीवर है, और फिर मैं इधर इसको भी निकाल लेता हूँ जो हमारा ट्रांसमीटर है, और इसे भी ऑन करता हूँ, तब ये देखो आप पूरी दोनों तुरंत इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है। और आप जैसे इसे वापस से इस केस में डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, और इधर देखोगे कि रेड लाइट जल जाती है, जिसका मतलब है कि ये चार्ज हो रहा है। वैसे उसी तरह ट्रांसमीटर में भी सेम फंक्शन है, आप इसे अंदर डालते हो तो देखो ये भी ऑफ हो गया, और इधर देख सकते हो कि लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी ये चार्ज हो रही है। और इसे मैं बंद कर देता हूँ तो ये अब ये अंदर ही अंदर चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर जब मैं इसे केस को चार्ज में लगाऊंगा तो यहाँ पर भी लाइट ग्लो होंगे, जिससे आप समझ सकते हो कि ये केस भी चार्ज हो रहा है। प्राइसिंग की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में मंगाया है, जो कि अभी लाइव है, और यूजुअल प्राइस जो इस प्रोडक्ट की होती है वो 7900 की होती है, और अभी कुछ थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिला था, और ये प्रोडक्ट मैंने 6700 में अमेजन से लिया है। फिलहाल ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अभी कई सारे नए कंटेंट आने वाले हैं हमारे चैनल पे, और हम एक नया परचेज भी करने वाले हैं, और कई सारे टूरिंग वीडियोज़ भी आने वाले हैं, आफ्टर आवर न्यू बाइक डिलीवरी वीडियो भी दिखाएंगे। सो चैनल में बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।